हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 10 मिनट्स विद मी। आई एम योर फ्रेंड चित्रांश सिंह और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ स्विच स्टेटमेंट से, जो कि हमारी सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है। हमने लास्ट टाइम समझा था इफ एल्स और एल्स इफ के बारे में, जो कि खुद में एक फ्लो कंट्रोल और कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो उसी के आगे आज हम समझने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए फिर ओपन करते हैं अपना वीएस कोड और जानते हैं कि कैसे वर्क करती है स्विच स्टेटमेंट और क्या यूज है उसका सी प्रोग्रामिंग में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने VS Code ओपन कर लिया है और आप देख पा रहे हैं एक पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसका नाम है calculator.c, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाना सीखा था else if की मदद से, जो खुद में एक फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट है। और आज हम एक दूसरी टाइप की फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे जो कि स्विच स्टेटमेंट है। और जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग न्यू है मेरे वीडियो पे, उनको मैं बता दूं कि जो ये वीडियो है स्विच स्टेटमेंट वाला, ये पार्ट है हमारी एक प्रोग्रामिंग सीरीज़ का, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी 8 या 9 वीडियोस कवर कर लिए हैं और ये हमारा 9th या 10th जो भी है वीडियो है हमारा। तो आज जाते हैं हम अपने मेन गोल पे, जो कि है स्विच। तो पहले हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट है क्या। तो एक वेबसाइट मैंने खोल रखी है गीक्स फॉर गीक, यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में सब कुछ बताया है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो आप देख पा रहे हैं स्विच केस स्टेटमेंट इवेल्यूएट्स अ गिवन एक्सप्रेशन एंड बेस्ड ऑन द इवेल्यूएशन इवेल्यूएटेड वैल्यू मैचिंग अ सर्टेन कंडीशन इट्स एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद इट। बेसिकली इट इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस या केसेस, ठीक है। ये इसमें लिखा है, आप इसको समझने के लिए हम कोड देखते हैं, इसमें मतलब जो इसका सिंटैक्स है वो समझना स्टार्ट करते हैं। सिंटैक्स में क्या लिखा है, सिंटैक्स में सिंपली पहले तो एक स्विच लिखा है। हम डायरेक्ट ऐसा करते हैं, यहाँ से इस कोड को जो लिखा है, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं पहले। तो ये मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ से कॉपी, और वीएस कोड में आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं एक न्यू फाइल बना के, जिसका नाम रख लेते हैं switch.c। ये हमने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली। क्या हुआ, आप फाइल और फोल्डर switch.c ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा switch.c पहले से है, तो यहाँ पे मैंने इसको शायद पहले से प्रिंट कर रखा है। मैं इसको फिर से कर देता हूँ Ctrl+V, तो यह मैंने प्रिंट कर पेस्ट कर दिया उसको मैंने कोड को लाके। अब मैं यहाँ से समझाना आपको स्टार्ट कर देता हूँ कि क्या है इसमें प्रोग्राम में। पहले तो ये जो हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main function, ये सबको मैं आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को मालूम ही है ये सब क्या है। हम आते हैं अपने मेन जगह पर जो कि है स्विच। यहाँ से हम लोगों का ये स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। हम लोग इफ़ जो बनाते थे, इफ़ को हम कैसे लिखते थे, इफ़ को हम लिखते थे सिंपली इफ़ लिखते थे, उसके बाद इसमें बीच में कंडीशन दे देते थे, है ना। पर इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें हम क्या करते हैं स्विच लिखते हैं और स्विच के बाद यहाँ पे हम कोई एक्सप्रेशन या कोई वेरिएबल देते हैं जिसकी वैल्यू हम स्विच करेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ, जैसे कि दो वेरिएबल्स हैं, एक है हमारे पास ए और एक मान लीजिए हमारे पास बी है, तो हम इंटू कर रहे हैं ए इंटू बी। अब इस a इंटू बी का जो रिजल्ट आएगा उसको हम स्विच करके चेक कर सकते हैं केस वन के हिसाब से। केस वन मतलब यहाँ पे a इंटू बी या तो 50 आए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारा काम हो जाए। उसके बाद अगर a इंटू बी हमारा 50 आएगा तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, उस केस में जो भी हमारा लिखा होगा कोड वो एग्जीक्यूट होगा केस वन मैच जैसे लिख के आया, और हमारी जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाएगी स्विच स्टेटमेंट, और हम बाहर आ जाएंगे स्विच स्टेटमेंट के, यहाँ के बाहर आ जाएंगे, इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, और बाकी केस टू केस थ्री केस फोर हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जो केस टू है, यहाँ पे टू के जगह पे, मतलब यहाँ पे वन लिखा था टू लिखा था, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 42 होता, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे वन लिखोगे, यहाँ पे टू लिखोगे, यहाँ पे थ्री लिखोगे, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, वैल्यू जो आप मैच कराना चाहते हो, ए इंटू बी की वैल्यू 50 हो तो ऐसा करना, 42 हो तो ऐसा करना, या 3 हो ए इंटू बी की वैल्यू तो ऐसा करना, ठीक है, ये हम बता रहे हैं। जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो हमारा यूज़ होता है, ये क्या बोलते हैं, स्विच स्टेटमेंट या कोई भी दूसरी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट होता है उनको तोड़ने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हम ब्रेक यूज़ करते हैं, जैसे केस वन हमारा एग्जीक्यूट हो गया, केस वन हमारा करेक्ट है, अगर चेक किया ए इंटू बी की वैल्यू 50 है, केस वन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिंपली उसके बीच में अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारी जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने की वजह से जो बाकी आगे के जो केसेस है वो चेक नहीं करेगा हमारा क्या बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट, और सिंपली बाहर हम लोग आ जाएंगे स्विच के, और बाकी हमारा जो भी प्रोग्राम है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा आगे। तो ये होता है स्विच में। आप यहाँ पे चाहो तो कोई एक्सप्रेशन दे सकते हो, ए इंटू प्लस बी डिवाइड बाय सी, और भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप सिंपली एक वेरिएबल दे सकते हो, यहाँ पे सिंपली ए दे दिया, या फिर सिंपली तुमने बी दे दिया, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा था वेर लिखा था, ठीक है, तो वेर दे दिया। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे केस में पहली केस में वैल्यू क्या थी 50,
दूसरे केस में वैल्यू क्या है 42, तीसरे केस में वैल्यू क्या है 3, ठीक है। पर यहाँ पे एक डिफॉल्ट है जिसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दे रखी। अब डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट का मतलब आप जानते हो, डिफॉल्ट मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड हो, जो जो मतलब होता ही होता है डिफॉल्ट। जैसे कि आप क्या बोलते हो, कोई नया मोबाइल लाते हो, ठीक है, या फिर मोबाइल छोड़ो, आप कोई नया बैग लाते हो जिसमें लॉक होता है, ठीक है। अब उसमें जो डिफॉल्ट लॉक होता है बैग में, तो वो 000 होता है डिफॉल्ट लॉक, मतलब जो कंपनी से आपको दिया जा रहा है वो डिफॉल्ट होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे इसमें क्या है, जैसे मान लो वैर जो वेरिएबल है उसकी कोई वैल्यू है जो कि मैच ही ना करे, किसी भी केस में मैच ना करे, ना उसकी वैल्यू 50 हो, ना उसकी 42 मैच हो, ना 3 मैच हो, तो क्या करेगा, डिफॉल्ट ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था इफ एल्स में क्या था, यहाँ पे जैसे इफ एल्स में हमारा क्या था कि जैसे कि इफ में हमने कोई कंडीशन दी, वो कंडीशन मैच नहीं हो रही है, हमने दूसरी कोई कंडीशन दी एल्स इफ की मदद से, वो भी मैच नहीं हो रही है, तीसरी कोई कंडीशन दी वो भी मैच नहीं हो रही है, अगर चौथी कंडीशन दी वो भी मैच नहीं हो रही, अगर कोई कंडीशन मैच ही नहीं हो रही ना इफ में ना एल्स इफ में, तो क्या होगा, जो हमारा एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे मान लो हमने कोई वेरिएबल दे दिया, उसकी कोई वैल्यू है, वो किसी भी केस के हिसाब से मैच नहीं हो रही, ना केस 1 ना 2 ना 3 ना 4 ना 5, इन्फिनाइट केसेस, मतलब आप जितने चाहो उतने केस कर सकते हो, अगर किसी भी केस में मैच नहीं होती है वैल्यू, तो डिफॉल्ट जो ब्लॉक होता है हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर किसी भी केस में वैल्यू मैच हो गई, तो सिंपली वो वाला केस का जो ब्लॉक होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस इतना सा था हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब आप इसका एक बार फिर से सिंटैक्स समझ लीजिए, क्या सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स आप देख पा रहे हैं, पहले आप लिखोगे स्विच, स्विच के बाद आप ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो हमारे गोल वाले ब्रैकेट हैं राउंड वाले, इनके अंदर आप क्या दोगे, कोई भी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी हो सकता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, या c इंटू बाई डी, या किसी चीज़ का सम, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन। या आप सिंपली एक कोई वेरिएबल दे सकते हो जिसकी वैल्यू आप स्विच कर मतलब चेक करना चाहते हो। अब फिर आप केस में क्या दोगे, पहले केस लिखोगे, और केस के आगे आप जो वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लो मैंने इनपुट लिया यूज़र से, ऑड इवन वाला, चलिए प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, मैं ऑड इवन वाला प्रोग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे मैं वैर लेता हूँ 16 लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं वैर की वैल्यू चेक करना चाहता हूँ। अगर वैर डिवाइड बाई टू, यहाँ पे मैं ऐसा करूँ, वैर परसेंट मॉड्यूल जो ऑपरेटर होता है हमारा, मॉड्यूल ऑपरेटर बाय टू, अगर हमारा वैर को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या करूँ, केस 1 मैच हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इवन लिख देंगे, बैक स्लैश एन, इट्स अ इवन नंबर, ठीक है, इट्स अ इवन नंबर मैंने लिखा यहाँ पे, क्या है, इट्स अ इवन नंबर, सॉरी, हाँ, अगर क्या हो, वेयर मतलब डिवाइड करें 2 से और रिमाइंडर क्या है, 0, यहाँ पे हमने वेयर डिवाइडेड बाय 2, जो मॉड्यूल जो ऑपरेटर होता है वो क्या देता है हम लोगों को, हम लोगों को देता है क्या, रिमाइंडर। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वेयर डिवाइड मतलब मॉड्यूल ऑपरेटर बाय 2, वो हमको क्या देगा, ये एक्सप्रेशन रिमाइंडर देगा वेयर को डिवाइड करने पे 2 से, और रिमाइंडर अगर 0 होगा तो सिंपली हमको पता चल जाएगा वो इवन नंबर है, और 0 नहीं है तो क्या करना चाहिए, और 0 के अलावा वो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 0 के अलावा क्या होगा, 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 17 करता हूँ तो 17, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, हाँ 17 करता हूँ तो 17 को अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8.5, है ना, तो 8.5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8, क्योंकि इंट को आप डिवाइड करोगे तो इंट में आएगा ना आंसर, तो इसलिए 8 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि फ्लोट नहीं है ना, पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट्स को लेगा नहीं, 8 आएगा। तो क्या करना है यहाँ पे, ये लिखेगा इट इज 17, और डिफॉल्ट वाले में मैं क्या डाल दे रहा हूँ, केस 3 हटा दे रहा हूँ मैं, केस 3 की ज़रूरत भी नहीं है, डिफॉल्ट में मैं डाल दे रहा हूँ। अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, 0 नहीं है अगर वायर की वैल्यू, नहीं सॉरी, अगर हाँ 0 मतलब 0 रिमाइंडर नहीं आता है तो या तो 8 रिमाइंडर आ जाए, 8 रिमाइंडर आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो 17 है, रिमाइंडर 8 नहीं आना चाहिए, सॉरी रुको रुको, 17 अगर 1 रिमाइंडर आएगा, हाँ अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 17 है वो, अगर रिमाइंडर 1 नहीं आता है तो क्या है, तो रिमाइंडर ना 1 आ रहा है ना 0 आ रहा है तो वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर। चलिए रन करते हैं प्रोग्राम को, यहाँ पे मुझे एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा क्या बोलते हैं उसे, गेट सी एच, गेट सी एच, गेट कैर दे देते हैं, चलिए इस फंक्शन को भी यूज़ करके देख लेते हैं काम करता है नहीं करता, गेट कैर। अब इसको हम रन कर लेते हैं प्रोग्राम को, और मैंने सिंपली अभी मैंने क्या किया मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। स्विच स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक एक्सप्रेशन दिया वेयर डिवाइड बाय टू का जो रिमाइंडर हो,
अब उस जो रिमाइंडर आएगा इस वाले एक्सप्रेशन से हमको रिमाइंडर मिलेगा, जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है उसका रिमाइंडर मिलेगा, मतलब उसको डिवाइड करने पे टू को टू से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा उसको हम स्विच करके देख रहे हैं। अगर वो ज़ीरो होता है तो क्या कर दो, तो लिख दो इट्स अ इवन नंबर। अगर वो वन आता है रिमाइंडर तो लिख दो इट इज़ 17। अगर ना वन और ज़ीरो आ रहा है तो लिख दो ऑड नंबर है वो, ठीक है, ऐसा मैंने करने को कहा है। तो ये शायद एग्जीक्यूट हुआ है क्या नहीं हुआ है पता नहीं, कोई एरर वेरर आया क्या, सिंबल लोडेड, सिंबल लोडेड, सब तो सही लग रहा है, पता नहीं अभी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आके यहाँ पे स्विच डॉट ये देखिए बंद तो गया है, चलिए रन करके देखते हैं इसे। इट इज़ 17, देखिए 17 लिख के आ रहा है। क्यों लिख के आ रहा है ऐसा, मैं आपको प्रोग्राम खोल के दिखाता हूँ। प्रोग्राम में मैंने क्या किया, 17 वायर की वैल्यू है, वायर को अगर मैं डिवाइड करूँगा 2 से तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 17 को डिवाइड करोगे 2 से तो बचेगा रिमाइंडर हमारा 1, और रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है तो 1 को मैच करेगा पहले केस 1 में, केस 1 में मैच करेगा तो देखेगा केस 1 के हिसाब से वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और 0 तो है नहीं वैल्यू, तो इस हिसाब से ये वाला केस हमारा स्किप कर देगा। फिर आएगा हमारा केस 2 में, केस 2 में हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, और 1 हो रही है तो इस हिसाब से हमारा ये जो प्रिंट कर देगा इट इज़ 17 और ब्रेक कर देगा स्टेटमेंट को। अब मान लीजिए मैं कुछ और देता हूँ, जैसे मान लीजिए 5 देता हूँ, तो 5 में हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है देखते हैं, 5 डिवाइड बाई 2 तो 2 2 जा 4, तब भी रिमाइंडर 1 ही बचेगा है ना। तो ऐसा कोई नंबर देते हैं जिसमें रिमाइंडर 1 से ज़्यादा बचे, या फिर मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ इस वाले केस को भी हटा देता हूँ, तो क्या होना चाहिए आप बताइए। तो सिंपली डिफ़ॉल्ट केस जो है हमारा वो रन हो जाएगा, तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, 17, ठीक है, आप इसको रन कर लेते हैं। और सॉरी इसको मैंने बंद नहीं किया था, अबर्ट, आप इसको फिर से रीरन कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा प्रोग्राम रन। उसके बाद हम आते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट पर, यहाँ पे देखिए लिख के आ गया ऑड नंबर। ऑड नंबर क्यों लिख के आया, क्योंकि हमारा 17 ऑड नंबर है। अब मैं आता हूँ फिर से यहाँ पे, कहाँ पे, यहीं पे, और इस बार मैं इसको एक इवन नंबर कर देता हूँ, तो देखते हैं इवन नंबर बताता है नहीं बताता। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, जो मैंने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया था यहाँ पे एलसीफ यूज़ करके, इसको हम काफ़ी इजीली तरीके से कर सकते हैं। हर बार मैं चेक कर पा रहा हूँ CHO=1, CHO=2, या CHO=3, CHO=4, ऐसे ना करने की जगह हम यहाँ पे क्या करते, सिंपली यहाँ पे मैं CHO वेरिएबल देता और सिंपली केस 1 में, केस 0 में 1 लिखता, केस 2, केस 3, केस 4 ऐसे लिख देता, और हर केस में मैं जो ये हमारा कोड है इसी को मैं ले जाके, मतलब यही कोड मैं लिख देता हर केस में। अगर केस मतलब क्या होता, अगर जो हमारी CHO जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 है तो क्या करेगा, सिंपली ये कर देगा, मतलब a प्लस बी कर देगा। अगर 2 है वैल्यू तो a माइनस बी, 3 है तो a इंटू बी, और 4 है तो a डिवाइड बी। तो हम स्विच की मदद से ज़्यादा इजी तरीके से इस कैलकुलेटर प्रोग्राम को बना सकते थे, ठीक है। और उसके अलावा जो स्विच स्टेटमेंट होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है इफ एल्स के मुकाबले, और ज़्यादा इफ़िशेंट भी होती है, इसलिए हम स्विच स्टेटमेंट का आगे यूज़ भी करने वाले हैं कई जगह पे। तो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है, चलिए देखते हैं कि आप क्या दिखाता है। इट्स अ इवन नंबर, क्योंकि 16 हमारा इवन नंबर होता है, तो ये हमारा एक ऑड इवन का प्रोग्राम बन गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है, स्विच स्टेटमेंट में और कुछ इससे ज़्यादा है नहीं। एक बार इसका हम फ्लो चार्ट और देख लेते हैं, यहाँ पे फ्लो चार्ट दे रखा था काफ़ी अच्छा, मैं उससे फ्लो चार्ट से आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ स्विच स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है। तो फ्लो चार्ट में देखें तो पहले तो स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, उसके बाद हमारे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन रहता है जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम केस 1 के हिसाब से चेक करते हैं। जैसे केस 1 में कोई वैल्यू है, वो वैल्यू अगर मैच कर जाती है एक्सप्रेशन से, ठीक है, एक्सप्रेशन की वैल्यू और केस 1 की वैल्यू अगर मैच कर गई तो जो इसमें स्टेटमेंट में जो भी लिखा होगा वो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी और ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक होने के बाद कहाँ पहुँचेगी, वो बाहर पहुँचेगी स्विच स्टेटमेंट के, ठीक है, स्टेटमेंट आफ्टर स्विच वहाँ बाहर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही केस 2 के, अगर मान लीजिए ये फॉल्स हो गया, केस 1 में जो वैल्यू है वो मैच नहीं करी ये एक्सप्रेशन से या वेरिएबल की वैल्यू से, तो क्या होगा, केस 2 की वैल्यू से मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर हो गई तो सिंपली जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो लिखे क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट होंगी और ब्रेक कर दिया जाएगा और वापस हमारा बाहर आ जाएगा स्टेटमेंट से, स्विच स्टेटमेंट से। फिर 3 अगर मान लीजिए कि केस 2 भी मैच नहीं हुआ तो केस 3 पे आएगा, उसको चेक करेंगे और जैसे वही मतलब स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी और बाहर आ जाएगा। अगर वो केस 3 भी मैच नहीं हुआ
तो केस फोर चेक करेंगे, मतलब केस फाइव चेक करेंगे, फिर केस सिक्स, फिर केस सेवन, फिर केस एट, मतलब जितने भी केस हैं केस एन तक, ठीक है। और जब केस एन भी मैच नहीं करेगा तब क्या करेंगे, तब हम डिफ़ॉल्ट ब्लॉक पे आ जाएंगे और डिफ़ॉल्ट ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएंगे। बस इतना सा सिंपल सा काम था। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक भी लिखा है ब्रेक के बारे में, दिस इज द कीवर्ड यूज टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन इनसाइड अ स्विच ब्लॉक, इट हेल्प्स टर्मिनेट द स्विच ब्लॉक एंड ब्रेक आउट ऑफ इट, ठीक है। यही लिखा है कि स्विच ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और ब्रेक स्टेटमेंट को हम सिर्फ स्विच के अलावा और भी कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इफ एल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते थे। अब जैसे कि मान लीजिए, कहाँ गया मेरा वीएस कोड, मान लीजिए कि मैंने एक नेस्टेड इफ एल्स बनाया, इस एल्स इफ के अंदर मैंने, मान लीजिए कोई मुझे ज़रूरत पड़ गई, एक नेस्टेड इफ एल्स बनाया, इफ के अंदर मैंने एक और इफ दिया कि यहाँ पे मैंने कोई स्टेटमेंट दे रखी थी इफ, और उसके अंदर मैंने एक और इफ दे दिया कि मुझे ऐसा, अगर ऐसा हो तो क्या कर दो, इस इफ कंडीशन को ब्रेक कर दो, और ब्रेक कर देगा, और इफ कंडीशन के अंदर जो बाकी नीचे लिखी होंगी इफ के नीचे, वो सब क्या होता है, एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो वो भी हम आगे देखेंगे कि ब्रेक कैसे काम करता है। ब्रेक के साथ एक कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट भी होती है जिसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। अब हमारा जो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में है, हमारा दो स्टेटमेंट हमारी पूरी हो गई हैं। दो कौन कौन सी, एक हमारी इफ एल्स और हमारी दूसरी क्या, स्विच, ठीक है। ये दोनों क्या, कैसी स्टेटमेंट थी, ये थी कंडीशनल स्टेटमेंट। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में लूपिंग स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें हम डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप और फॉर लूप पे डिस्कस करेंगे। सो हमारा आज स्विच स्टेटमेंट पूरा हो गया है, और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को समझने आया हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो लाइक कर दें वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।